गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए मेट्रोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। मेट्रोलॉजी में बात कर रहे थे टॉलरेंस लिमिट और फिट का। पिछले क्लास में हम लोग फिट्स पढ़े थे और ये भी जाने थे कि फिट्स जो होता है वो तीन तरह का होता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्या होता है उसको भी हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ फिट का। सिस्टम ऑफ फिट क्या होता है? देखिए, सिस्टम ऑफ फिट ये होता है कि कौन से मेथड को यूज करके आप डिजायर फिट को, आप जो चाहते हैं वो फिट को आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, कोई भी आपका बेसिक साइज जो दिया हुआ जाता है फिट में, होल का और शाफ्ट का, वो दोनों का सेम ही बेसिक साइज रहता है। इसके पहले जो हम लोग फिट्स में एग्जांपल में लिए थे तो आपको देखा गया, आप देखे थे कि जो बेसिक साइज जो लिया गया था होल का और शाफ्ट का, वो बेसिक साइज सेम लिया गया था। उस पर टॉलरेंस जो है वो अलग अलग कर दिया गया था, टॉलरेंस अलग अलग लिया गया था। वो क्यों लिया गया था? क्योंकि हमको डिजायर टाइप का फिट चाहिए था, हमको जो फिट चाहिए उस टाइप के फिट्स बनाने के लिए चाहिए था। तो देखिए, फिट्स जो होता है, सिस्टम ऑफ फिट जो होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं आज। उसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल हम पहले ले रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक होल लिया और एक शाफ्ट लिया। होल और शाफ्ट लिया, होल का भी बेसिक साइज 20 ले लिए और इसका भी बेसिक साइज 20 ले लिए। इसमें प्लस माइनस 0.02 का और इसमें प्लस माइनस 0.03 का टॉलरेंस दे दिए। अब हमको इसका अपर लिमिट निकालते हैं, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 20.02। ये तो अब तक सबको निकालने आ गया होगा। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 19.98। एमएम में बात कर रहे हैं तो एमएम लिख देंगे यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यदि अपर लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 20.03। और यदि लोअर लिमिट का हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? 19.97 एमएम। पूरा डायमेंशन एमएम में बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग करेंगे क्या, ये आपका है, आपको चाहिए इसका, ये आपको साइज दिया गया है कि हमको होल इस तरह का बनाना है, शाफ्ट इस तरह का बनाना है, और आपसे बोला गया कि हमको क्लियरेंस फिट चाहिए। क्या चाहिए? क्लियरेंस फिट। आपको ड्राइंग में आया कि एक ड्राइंग हमको बनाना है इस प्लेट में, जो कि आपको एक होल यहाँ करना है। उस होल का साइज क्या दिया हुआ है? 20 प्लस माइनस 0.02 का बेसिक साइज दे दिया गया। यहाँ पे आपको एक शाफ्ट का ड्राइंग आया है, शाफ्ट को आपको बोला गया कि शाफ्ट का जो डायामीटर दिया गया है वो कितना दिया गया? 20 दिया गया है, प्लस माइनस 0.03 एमएम का टॉलरेंस दे दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि हमको क्लियरेंस फिट चाहिए। हमको क्या चाहिए? क्लियरेंस फिट चाहिए, और आपको इसको बनाना है प्रोडक्ट को। सपोज कीजिए, आप जब बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो होल बना वो 19.99 एमएम का बन गया। तो हम चेक करेंगे कि अपर लिमिट से छोटा और लोअर लिमिट से बड़ा, तभी प्रोडक्ट सही रहेगा। तो देखेंगे कि 20.02 से छोटा होना चाहिए, अपर लिमिट से छोटा मतलब छोटा है, और 19.98 से बड़ा मतलब बड़ा है, मतलब होल मेरा जो बना हुआ है वो सही बना हुआ है। अब सपोज कीजिए, शाफ्ट जो आपने बनाया वो बनाया 20.01 एमएम का बन गया। तो इसको भी चेक करेंगे ये सही है कि गलत है। तो देखेंगे कि अपर लिमिट से छोटा होना चाहिए और लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए। अपर लिमिट से छोटा है, लोअर लिमिट से बड़ा है, यानी कि आपका शाफ्ट भी जो बना हुआ है वो सही है। दो चीज यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमने किया है। ये हमारा एक्चुअल वैल्यू आया बनने के बाद, जब हमने होल को बनाया तो इस लिमिट में बनना चाहिए था, 0.02 के टॉलरेंस दिया हुआ है तो इस लिमिट में, तो ये लिमिट में है, और शाफ्ट को भी इस लिमिट में बनना चाहिए था तो इस लिमिट में है, यानी कि होल और शाफ्ट जो बना हुआ है दोनों का दोनों सही बना हुआ है। लेकिन हमको चाहिए क्या था? क्लियरेंस फिट चाहिए था। क्लियरेंस फिट, अब होल का साइज है 19.99 और शाफ्ट का साइज है 20.02, तो क्लियरेंस फिट होगा तभी क्लियर रहेगा। ये छोटा है, 19.99 का है, और ये शाफ्ट जो है वो आपका कितना है? 20.01 का। तो इसके अंदर जब ये जाएगा, फिट होगा, तो इसके अंदर जब फिट होगा तो क्या आपको लगता है कि क्लियरेंस मतलब जगह थोड़ा सा खाली बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? बोल दिया गया था शुरुआत में ही कि आपको जो फिट चाहिए, हमको होल और शाफ्ट तो इस साइज का चाहिए, लेकिन जो फिट चाहिए वो कैसा चाहिए? तो क्लियरेंस फिट चाहिए। वो क्लियरेंस फिट क्यों चाहिए? वो अपना आगे उसका जो डिजायर है, जो अपना इच्छा है या कहाँ यूज करेगा, इसके आधार पर वो अपना सेलेक्ट किया है कि हमको क्लियरेंस फिट चाहिए। आपको उसके अनुसार बना करके देना है, या जो बन करके प्रोडक्ट आया है तो आपका प्रोडक्ट सही बन करके आया है। यदि आप क्वालिटी में काम कर रहे हैं तो सही बन करके आया है या नहीं आया है, ये आपको चेक करना है। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हमारे पास दो मेथड है, यहाँ से क्लियरेंस फिट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हम क्या कर सकते हैं,
कि होल को हम छोड़ दें, जैसा बना हुआ है वैसा छोड़ दें, मतलब इसके रेंज में है, मतलब इसको यहाँ ही छोड़ दें, और शाफ्ट पे काम करें। शाफ्ट पे काम करें मतलब शाफ्ट को और छोटा करें, शाफ्ट को और छोटा करें, तब जाकर के हमारा फिट प्राप्त हो सकता है, डिजायर फिट, क्लियरेंस फिट। जैसे इसको, ये तो अभी बड़ा बना हुआ है 20.01 का, इसको हम और काट करके और मशीनिंग कर करके इसको हम कर दें 19.98 का। अब देखिए ये जो हमने कर दिया, इसको काट करके मतलब शाफ्ट जो है उसको हमने मशीनिंग किया और 20.01 से कहां ले लाया 19.98 तक। अब जो ये है होल 19.99 का और शाफ्ट जो है 19.98 का, तो ये हमने क्या किया, इसके रेंज में भी है, इससे बड़ा है उससे छोटा है, मतलब सही है। और आपका फिट भी जो प्राप्त हो रहा है वो डिजायर फिट प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपको क्लियरेंस चाहिए था और 1 mm का क्लियरेंस आपको मिल गया, 0.01 mm का, तो एक क्लियरेंस आपको मिल गया, मतलब आपने डिजायर फिट प्राप्त किया। कैसे, होल को, होल के साइज को कांस्टेंट कर दिया था और शाफ्ट के साइज को भैरी किया, तो ये जो सिस्टम कहलाता है होल को कांस्टेंट और शाफ्ट को भैरी किया, तो ये होगा होल बेसिस सिस्टम। क्या हो गया, होल बेसिस सिस्टम, यही होल बेसिस सिस्टम है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम दूसरा के हम लोग बात करते हैं, दूसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो पहला मेथड हो गया होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम। इसमें हमने क्या किया, होल के साइज को, होल बेसिस सिस्टम है तो होल के साइज को कांस्टेंट किया और शाफ्ट के साइज को भैरी किया, तब जाकर के डिजायर फिट हमको प्राप्त हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल बेसिस सिस्टम। अब दूसरा है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, या दूसरा मेथड हम लोग कैसे इसको डिजायर फिट प्राप्त कर सकते हैं, क्लियरेंस फिट प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कीजिए 20.01 का बना हुआ था, इसको रहने देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम कह रहा है ए बन गया और ए बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा मेथड हम क्या ही अपना सकते हैं कि शाफ्ट को कांस्टेंट छोड़ दें और होल के साइज को भैरी करें। शाफ्ट को कांस्टेंट छोड़ दें मतलब 20.01 है उतना ही रहने दें और होल को भैरी कर दें, तो होल को बड़ा कर दें, और होल 19.99 का बना हुआ था तो उसको तो और फैला सकते हैं ना, और बड़ा काट सकते हैं उसको, ये होल है इसको तो और मशीनिंग करके इसको और बड़ा किया जा सकता है, तो उसको कर करके हमने कर दिया 20.02 mm का, तो 20.02 का और ही कर दिया और ये वाला कितना रह गया 20.01 का, मतलब आपके शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट छोड़ दिए हैं और होल के साइज को वेरिएशन कर रहे हैं, होल के साइज, शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट और होल के साइज को वेरिएशन कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम कहलाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शाफ्ट बेसिस, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ये जो होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, समझ गए क्या होता है, शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट और होल के साइज को वेरिएशन, होल के साइज में वेरिएशन कर रहे हैं डिजायर फिट प्राप्त करने के लिए। अब आप देखिए क्लियरेंस फिट है कि नहीं, जो हमको चाहिए था वो मिल गया, होल हो गया 20.02 का और शाफ्ट हो गया 20.01 का, मतलब शाफ्ट छोटा और होल बड़ा, तो क्लियरेंस फिट हो गया 0.01 mm का, यहाँ भी क्लियरेंस मिल गया। तो ये आप दो तरह का फिट सिस्टम होता है, क्लियरेंस आपका होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। क्यों फिट सिस्टम जो है क्यों अपनाया जाता है, तो क्योंकि हमको डिजायर टाइप का फिट प्राप्त करना रहता है, डिजायर टाइप का फिट जो है वो गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, मतलब दो तरह से मुख्य रूप से, एक होल बेसिस सिस्टम और दूसरा जो है वो आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में डिफिनेशन आपको याद रखना है, होल बेसिस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, होल के साइज को कांस्टेंट कर रहे हैं और शाफ्ट के साइज को वेरिएशन कर रहे हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रहने दे रहे हैं और होल के साइज के वेरिएशन कर रहे हैं, होल के साइज में वेरिएशन कर रहे हैं डिजायर फिट प्राप्त करने के लिए। तो ये जो आपका सिस्टम है ये आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, दो सिस्टम हो गया। अब आपको कौन सा सिस्टम जो है वो आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, होल ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, होल बेसिस सिस्टम में कांस्टेंट रखा जाता है, होल को, शाफ्ट को, दोनों को, किसी को नहीं, आपको ऑप्शन देना है कि होल बेसिस सिस्टम में किसको कांस्टेंट रखेंगे, होल के साइज को ही कांस्टेंट रखेंगे और शाफ्ट के साइज को वेरिएशन करेंगे, पहला वाला जो केस देखे थे, इसको ना 20.01 से 19.98 तक वेरी ये कर रहे हैं ना शाफ्ट को, होल को तो कांस्टेंट छोड़ दिए, तो ये होल बेसिस सिस्टम कहलाया। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में किसके किसके साइज को वेरिएशन किया जा सकता है, इसमें भी वो सवाल बन सकता था, दोनों एक दूसरे का पूरक सवाल है, एक आपको कांस्टेंट पूछ सकता है और किसको वेरी किया जा सकता है, ये भी पूछ सकता है, वही चार ऑप्शन देगा, होल को, शाफ्ट को, दोनों को, किसी को नहीं, तो आपको क्या करना है, जवाब देना है कि होल बेसिस सिस्टम में किसके साइज को वेरिएशन किया जा रहा है, होल को, शाफ्ट को, दोनों को, किसी को नहीं, तो शाफ्ट को आपको आंसर देना है। इसके लिए भी वही दो
आपका सवाल बन जाता है किसके साफ को कांस्टेंट रखा जाता है और कौन से किसके साइज को कांस्टेंट रखा जा सकता है और किसके साइज को वेरिएशन किया जा सकता है। ऑप्शन आपको वही चार मिलेगा, तो वहां पे आपको जवाब देना है कि साफ के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है और होल के साइज को वेरिएशन किया जाता है साफ के बेसिस सिस्टम में। अब देखिए, आप बात आता है कि भारत में, इंडिया में या इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार कौन सा बेसिस सिस्टम अपनाया गया है या कौन सा बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, होल बेसिस सिस्टम या सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का। तो देखिए, एकदम सबसे सिंपल क्या है बात आपको सोचना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे कि आसान कौन है, आसान काम कौन करना है। आसान काम मतलब होल के साइज को हम ज्यों का त्यों छोड़ दें और सॉफ्ट के साइज को वेरिएशन करें, या सॉफ्ट के साइज को ज्यों का त्यों छोड़ दें और होल के साइज का वेरिएशन करें, यही तो दो काम कर सकते हैं। लेकिन आसान काम कौन है, तो आसान काम कौन है कि होल के साइज को हम कांस्टेंट छोड़ दें, क्योंकि होल जो होगा वो किसी न किसी मशीन पार्ट्स में होगा और ये इंटरनल फीचर होता है, तो इंटरनल जगह पे काम करना ज्यादा आसान होता है। जैसे ये होल है तो इसका हमको डाया और बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन इसका डाया कम करना ज्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत में या कहीं भी आसान चीजों को ज्यादा एडॉप्ट किया जाता है, कौन से मेथड को एडॉप्ट किया जाएगा या इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार कौन सा बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है, होल बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, यदि आपको इंटरव्यू वगैरह में या सवाल पूछा जाता है कि होल बेसिस सिस्टम का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं होल बेसिस सिस्टम का, क्योंकि ये आपका इंटरनल फीचर है, मतलब आपका होल जो है इंटरनल फीचर है ना, आंतरिक गुण है उसमें, आंतरिक जो चीजें हैं होल होता है, और साफ जो है तो आंतरिक वाला को जो भी आप मशीनिंग करिएगा, तो ड्रिलिंग होगा, बोरिंग होगा या रिमिंग होगा, मतलब होल के साइज को ड्रिल करना है, बोर करना है और बड़ा करना है, तो उसका एक साइज होता है, फिक्स होता है कि 18 mm का है, 10 mm का है, 10.5 mm का है या 12 mm का है या 11 mm का है, जो भी मतलब आपका जो टूल आएगा ड्रिल करने वाला टूल, वो ड्रिल करने वाला का साइज फिक्स होता है। अब फिक्स होता है तो 0.01 बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको एक अलग टूल चाहिए, तब ना होल के साइज को बढ़ाएंगे, तो एक्स्ट्रा टूल आपको रखना पड़ेगा और बहुत छोटा छोटा टूल रखिएगा। जैसे 0.01 mm बढ़ाना था, कहीं 0.02 mm भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगा, तो वहां पे बहुत मतलब नंबर ऑफ जो टूल है वो आपका काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा टूल रखना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट के साइज को ही कम करना आसान है या शाफ्ट के साइज को ही ज्यादा करना भी आसान है। अब आपको लग रहा होगा कि सर होल यदि छोटा बड़ा रह गया और शाफ्ट को यदि हम होल यदि छोटा रह गया होल यदि बड़ा हो गया और शाफ्ट यदि हमको शाफ्ट को क्या करना है, हमको शाफ्ट को और बड़ा करना है ताकि ट्रांजिशन फिट प्राप्त हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, होल बड़ा रह गया और शाफ्ट मेरा छोटा है, तो अभी क्लियरेंस फिट हो रहा है, हमको चाहिए ट्रांजिशन फिट या इंटरफेरेंस फिट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमको क्या करना है, होल के साइज को या तो छोटा करें या शाफ्ट के साइज को बड़ा करें, दोनों मुश्किल काम है। होल के साइज को छोटा कैसे किया जा सकता है या शाफ्ट के साइज को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उस केस में क्या किया जाएगा, यदि लिमिट में है, यदि आपका प्रोडक्ट लिमिट में बना हुआ है तो लिमिट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, टॉलरेंस का लिमिट जो ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि वो आपका मेंटेन कर लेगा, लेकिन यदि उस केस में नहीं होता है तो एकदम जब खराब हो गया है तब तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट होगा, लेकिन यदि आपका एक लिमिट में है तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यदि घट रहा है मटेरियल तो इस पे आपका शाफ्ट पे ही मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है, वो आपका डिफरेंट मेथड है, आप बेल्डिंग से करिए मटेरियल डिपॉजिट, उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करके फिनिश कीजिए, फ्रेश कीजिए, तो ये आप बढ़ा भी सकते हैं शाफ्ट के साइज को, मतलब शाफ्ट के साइज में आप वेरिएशन ला सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि दो बेसिस है, दोनों कैसे काम कर रहा है। अब इसके थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो देखिए इसका थ्योरी, देखिए सिस्टम ऑफ फिट है, ए फिट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अ स्टैंडर्ड अलाइंस टू सूट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ बेसिक साइज, मतलब एक फिट सिस्टम ऑफ फिट जो है एक स्टैंडर्ड अलाइंस फिट सूट करता है कौन से स्पेसिफिक रेंज के, आपका बेसिक साइज पे कौन सा अलाइंस जो है वो फिट बैठता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फिट बोलते हैं। दो तरह का सिस्टम ऑफ फिट्स होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिट, एक होल बेसिस सिस्टम और एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब समझ चुके थे होल बेसिस सिस्टम क्या है, इन द होल बेसिस सिस्टम द साइज ऑफ होल इज केप्ट कॉन्स्टेंट, साइज ऑफ होल इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द शाफ्ट साइज आर वेरीड
आर वैरिड टू रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ फिट। मतलब आपका क्या हुआ कि होल बेसिस सिस्टम में, इस सिस्टम में जो इन द होल बेसिस सिस्टम, मतलब होल बेसिस सिस्टम में जो होल का साइज रहता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है और शाफ्ट के साइज को वैरी किया जाता है आपके वेरियस टाइप के फिट्स को ऑब्टेन करने के लिए या डिजायर टाइप के फिट को ऑब्टेन करने के लिए, गेन करने के लिए। समझ गए आप बात। यहाँ देखिए एडवांटेज लिखा हुआ है आपका होल बेसिस सिस्टम का, आपका इसका एडवांटेज क्या क्या है कि इट इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है, कन्वीनियंट है एंड लेस कॉस्टली टू मेक होल ऑफ करेक्ट साइज बाय यूजिंग ड्रिल एंड रिमर। मतलब आपका होल जो होता है वो जनरली आपका जो आपका पहला बात तो ये लिखा हुआ है कि इट इज वेरी इजी, मतलब होल बेसिस सिस्टम जो है वो आसान है, कन्वीनियंट है, मतलब हो सकता है, और आपका कॉस्ट लेस कॉस्टली है, मतलब सस्ता भी है। टू मेक होल, होल को आप बनाने में, यदि होल के लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं होल को, तो ये आप प्रोडक्शन में पढ़े होंगे, होल को बनाने के लिए आपको या तो ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल करने के बाद आपके होल को साइज को यदि बड़ा करना है तो बोरिंग करना पड़ेगा, उसको यदि फिनिश करना है होल के साइज को तो रिमिंग करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का आपका क्या है मेथड है होल करने का। तो होल यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल साइज का, जैसे 12 mm का होल करना है या 10 mm का होल करना है तो 10 mm का ड्रिल हमको लेना पड़ेगा, और 10 mm के ड्रिल से होल करेंगे तब ना 10 mm का ड्रिल होल होगा। लेकिन 10 mm के जगह 10.02 हमको करना है तो 10.02 वाला का भी होल रख करने के लिए हमको एक टूल चाहिए, 10.03 करना है तो उसके लिए भी अलग टूल चाहिए, क्योंकि 0.01 mm भी यदि आप होल के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग एक टूल चाहिए। तो टूल जब आप बहुत सारा चाहिए तो वो आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मतलब आसान नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि होल बेसिस सिस्टम का फायदा क्या है, तो होल बेसिस सिस्टम का फायदा यही ना कि होल के साइज को हम कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट कर देना मतलब होल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो भी छेड़छाड़ करना है हमको कहाँ करना है, शाफ्ट में करना है। तो शाफ्ट में जब छेड़छाड़ करना है तो शाफ्ट को छेड़छाड़ करना आसान है, शाफ्ट के साइज को बढ़ाना घटाना आसान है, लेकिन होल का साइज को बढ़ाना घटाना आसान नहीं है। होल का आपका जो एकदम डिजायर शाफ्ट के या करेक्ट साइज का होल बनाना आसान है, लेकिन करेक्ट साइज के होल के साथ यदि आप फिर उसमें एक 0.01 mm का वेरिएशन करना चाह रहे हैं तो वो कठिन काम है, तो वो तो हमको करना ही नहीं है। तो इसलिए आपका ये एडवांटेज में हो गया कि हमको होल में कोई काम नहीं करना है, जो भी काम करना है वो शाफ्ट में करना है। इट इज ऑल्सो मच इजियर टू वेरी शाफ्ट साइज अकॉर्डिंग टू द फिट रिक्वायर्ड। मतलब ये देखिए, ये आपका शाफ्ट के साइज को वेरी करना आसान है, मच इजियर टू वेरी शाफ्ट साइज अकॉर्डिंग टू द फिट रिक्वायर्ड। जो आपको फिट रिक्वायर्ड है या जो फिट आपको चाहिए उस फिट के अनुसार शाफ्ट के साइज को वेरी करना आसान है, इजी है, ये आपका फायदा वाली बात है। दूसरा है, ऑल्सो इंस्पेक्शन ऑफ शाफ्ट कैन बी डन इजिली एंड रैपिडली विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल स्किल एडजस्टेबल गेज। देखिए, आपको फिट जो डिजायर फिट है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट और होल दोनों के साइज को मेजर करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। अब देखिए, होल के साइज को मापना भी कठिन है लेकिन शाफ्ट के साइज को मापना भी आसान है। तो शाफ्ट के साइज को मापना आसान है तो साइज को यदि हम बढ़ा या घटा रहे हैं तो एक गेज सेट कर लें, एडजस्टेबल गेज, और उससे बार बार जा करके हम नाप ले रहे हैं, ठीक है इतना आया कि नहीं आया कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, आसान है, इजी है। तो शाफ्ट के साइज को मेजर करना भी आसान है, इसलिए होल बेसिस सिस्टम जो है ज़्यादा आसान है कंपेयर टू शाफ्ट बेसिस सिस्टम। दूसरा हम लोग देखते हैं अब शाफ्ट बेसिस सिस्टम। देखिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, आप डिफिनेशन समझ गए होंगे शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होगा। शाफ्ट के साइज को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा, होल के साइज को वेरी किया जाएगा डिफरेंट टाइप के आपके फिट्स को रिक्वायर ऑब्टेन करने के लिए। इन द शाफ्ट बेसिस सिस्टम द साइज ऑफ द शाफ्ट इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंट फिट्स आर ऑब्टेन बाय वेरिंग द साइज ऑफ द होल। मतलब आप होल के साइज को वेरी करके डिफरेंट टाइप के फिट प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फिट को ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, लेकिन आपके शाफ्ट के साइज को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा। इसका इस्तेमाल जो होता है वो कम होता है, हमने शुरू में बताया था। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, हर किस चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन आपने देखा था कि होल बेसिस सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एडवांटेज हमने लिखाया था, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका एडवांटेज तो है एक, लेकिन डिसएडवांटेज भी इस तरफ तीन चार है। तो देखिए, एडवांटेज क्या है कि सपोज कीजिए कोई शाफ्ट है आपके पास, लंबा सा शाफ्ट है,
सपोज कीजिए इस तरह का कोई शाफ्ट है आपके पास लंबा, और इस शाफ्ट पे हमको क्या करना है, दोनों इंड पर एक एक बेयरिंग फिट करना है, एक जगह पुल्ली फिट करना है और एक गियर भी फिट करना है। तीन तीन चीज फिट करना है, बेयरिंग, गियर और पुल्ली। अब तीनों जो लगेगा इस शाफ्ट पे, वो तीनों का अपना एक अलग अलग फिट्स है। जैसे आपका जो बेयरिंग है वो चाह रहा है कि हम क्या करें, इंटरफेरेंस फिट या ट्रांजिशन फिट करें या फोर्स फिट करें कि इजिली जो है थोड़ा सा धक्का लगाएं प्रेस करके तो इसमें जाकर के बेयरिंग जो है वो सेट कर जाए। बेयरिंग यहाँ उसको कैसा चाहिए, ट्रांजिशन फिट चाहिए। बेयरिंग हो गया, बेयरिंग का ये जो होल है इसमें बॉल लगा हुआ है, आपको क्या करना है इसके अंदर लगाना है, इसके साइज को हमको क्या करना है। यदि ये हो गया आपका बेयरिंग, दूसरा हम देख लेते हैं, एक पुल्ली ले लेते हैं, एक पुल्ली ले ली है, पुल्ली का बीच में हब है और इस तरह से आपका वो लगाया हुआ है, आपका सपोर्ट के लिए लगाया हुआ रहता है, तो हब है बीच वाला। अब इसके हब का साइज है और इसको कैसा चाहिए, क्लियरेंस फिट चाहिए, क्लियरेंस फिट चाहिए इसको। और एक हम ले लेते हैं गियर, गियर जो है गियर का आपका टीथ लगा हुआ है इसके चारों तरफ और इसका आपका यहाँ पे लगने वाला है हब इसमें भी। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको चाहिए आपको ट्रांजिशन, इसको चाहिए आपको इंटरफेरेंस फिट, इसको चाहिए क्लियरेंस फिट और इसको चाहिए आपका फोर्स फिट या पुश फिट, तो ये तीनों कंपोनेंट के लिए एक ही शाफ्ट है, तीनों को इसी शाफ्ट पे लगना है और तीनों को इसी शाफ्ट पे लगना है और तीन तरह का फिट प्राप्त करना है। अब जब हम शाफ्ट के साइज को यदि कम कर दें डिफरेंट टाइप्स के डिजायर फिट प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, सबके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी ये हो सकता है कि शाफ्ट जो है आपके बेयरिंग के साथ फिट बैठ रहा होगा क्योंकि उसमें आपका ट्रांजिशन हो रहा है और आपका गियर के साथ भी ठीक बैठ रहा होगा, लेकिन आपका क्या कर रहा है, होल ये जो आपका पुली है पुली के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुली के जो हब है यानी कि होल है उस होल को बढ़ाएंगे, ना कि शाफ्ट को घटाएंगे, क्योंकि शाफ्ट को घटाइएगा तो ये दोनों का डिफिकल्ट हो जाएगा या किसी एक का डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि हम लोग होल बेस्ड सिस्टम को अपनाएं, हमको करना क्या है, जबरदस्ती करना पड़ता है शाफ्ट बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे शाफ्ट के साइड को हमको कॉन्स्टेंट रखना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया हमारा एकदम। शाफ्ट के साइज में यदि हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये तीनों के लिए गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट बेसिस सिस्टम भी इस कंडीशन में अपनाते हैं। जब एक ही शाफ्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एलिमेंट को उसमें आपको लगाना है, एलिमेंट को माउंटेड करना है, तो वहां डिफरेंट टाइप का फिट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो डिफरेंट टाइप का फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग वहां पे यदि शाफ्ट के साइज को वेरिएशन करेंगे तो हो सकता है कि किसी एक के साथ तो फिट बैठेगा, किसी एक के साथ फिट तो बैठेगा लेकिन दूसरा के साथ गलत हो जाएगा, तीसरा के साथ गलत हो जाएगा, या हो सकता है कि दो के साथ सही बैठे और तीसरा के साथ गलत हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अपना होल के साइज को ही वेरी करेंगे, शाफ्ट के साइज को छोड़ देंगे। आप समझ गए, तो इस तरह का ही फिट को तो हम लोग शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज प्रेफर, इसको प्रेफर किया जाता है व्हेन डिफरेंट एसोसरीज विद डिफरेंट फिट्स, डिफरेंट एसोसरीज को डिफरेंट फिट्स के द्वारा सच एज पुल्ली, बेयरिंग और गियर, पुली है, गियर है, बेयरिंग है, एक्सेट्रा आर माउंटेड ऑन ए सिंगल लार्ज शाफ्ट। सिंगल लार्ज शाफ्ट है, बड़ा सा शाफ्ट है, उस पर तीन चार तरह का डिफरेंट डिफरेंट हमको डिफरेंट डिफरेंट एसोसरीज और डिफरेंट डिफरेंट आपका फिट्स ऑब्टेन करना है इस शाफ्ट पे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, शाफ्ट के साइज को यदि हम वेरी करवाएंगे तो किसी एक ही के लिए ना वेरी करवाएंगे, तो एक के लिए वेरी करवाइएगा तो हो सकता है कि दो जो एक्स्ट्रा है उसके लिए गलत हो जाए, या दो के साथ सेट कर रहा है तो तीसरा के लिए गलत हो जाए। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि होल बेसिस सिस्टम हम अपनाएं, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम अपनाना ही पड़ेगा, होल शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट छोड़ करके होल के साइज में वेरिएशन लाना पड़ेगा, होल के साइज के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये आपका एक बंधन हो गया इस टाइप से, वहीं पर आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम इस्तेमाल होता है। यदि आप फ्री हैं और एक ही शाफ्ट में डिफरेंट टाइप का एसोसरीज यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, होल बेसिस सिस्टम ही अपनाएंगे। आपसे यदि पूछता है, ये हमने पहले भी बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार या बीआईएस सिस्टम के अनुसार कौन सा बेसिस सिस्टम भारत में अपनाया जाता है, होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, दोनों कोई नहीं, तो आपको क्या जवाब देना है, होल बेसिस सिस्टम अपनाया जाता है। और ज्यादातर आप इंडस्ट्री में यदि जाइएगा, आप घूमने के लिए या इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा कि सिस्टम जो यूज हो रहा है होल बेसिस सिस्टम ही यूज हो रहा है। तो ये आपका हो गया। अब इधर देखिए डिसएडवांटेज है, इन मास प्रोडक्शन यूज ऑफ दिस सिस्टम विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल
एंड अ स्टोरेज स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस होल ऑफ डिफरेंट साइज। हमने उसमें बताया था कि यदि आप होल के साइज को यदि आपको घटाना बढ़ाना है वो ज्यादा मुश्किल काम है। उसके लिए उसमें हमने बताया था होल बेसिस सिस्टम में कि होल के साइज को हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि होल के साइज को घटाना बढ़ाना आपको डिफरेंट टाइप का टूल रखना पड़ेगा, बहुत सारा टूल रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा टूल रखने के लिए आपके पास लार्ज अमाउंट चाहिए, तब ना ढेर सारा टूल खरीद करके लाइएगा। और लार्ज अमाउंट के साथ साथ उसके लिए स्पेस भी चाहिए ताकि आप उसको स्टोर कर सकें। ऐसे ही नहीं, टूल है तो उसको बढ़िया से रखा जाएगा, ऐसा नहीं ना कि खुले जगह में आप फेंक दिए, अब जब समय आया तब मिल नहीं रहा है वो। आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको क्वालिटी में एक चैप्टर आएगा, उसमें सर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका 5S काम करता है, 5S पे ही काम किया जाता है कि किस तरह से कौन सा सामान को कहाँ पे रखना है, किस अरेंजमेंट में रखना है, वो 5S बताया जाएगा। तो ये आपका हो गया कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा ढेर सारा होना चाहिए और स्टोरेज स्पेस होना चाहिए फॉर लार्ज नंबर ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस होल ऑफ डिफरेंट साइज। टूल्स बहुत सारा टूल चाहिए आपके डिफरेंट होल को प्राप्त करने के लिए, उसमें आपको डिफरेंट टूल रखने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। तो ये अपना डिसएडवांटेज है, हम क्यों उतना सारा टूल खरीद करके रखें। और मास प्रोडक्शन यदि कर रहे हैं तो बहुत सारा होल करना है, तो बहुत सारा होल करने के लिए बहुत सारा टूल और ज़्यादा टूल चाहिए। तो ये क्या है, आपका डिसएडवांटेज है। इंटरनल मेजरमेंट आर ऑलवेज डिफिकल्ट, ये आप भी जानते हैं कि इंटरनल मेजरमेंट करना जो है वो आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हो सकता है आप एक जगह पे आप शाफ्ट का साइज नाप रहे हैं यहाँ पे तो शाफ्ट का साइज आपका सही आ रहा है, लेकिन होल जो है वो यदि होल आपका डेप्थ होल है मतलब गड्ढा में होल है तो आप यहाँ पे नाप रहे हैं तो आपका सही मेजरमेंट दे रहा है, लेकिन दूसरे जगह पर नाप रहे हैं तो आपका डिफरेंट टाइप का मेजरमेंट दे रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंटरनल मेजरमेंट करना। तो इसलिए ये क्या है इंटरनल मेजरमेंट, आपको तो यहाँ पे होल के साइज को ही वेरी करना है, तो जब भी नापना रहेगा तो होल के साइज को ही नापिएगा। शाफ्ट वाला तो फिक्स कर दिए कि ठीक है बना हुआ, अब होल के साइज को यदि आप बार बार नाप रहे हैं और वो डिफिकल्ट काम है तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, हम डिफिकल्ट काम को बार बार क्यों करेंगे। दूसरा है इंटरनल मेजरमेंट आर टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल मेजरमेंट जब डिफिकल्ट है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, बहुत सारा टाइम उसमें देना पड़ेगा आपको मेजर करने के लिए, क्योंकि आपका डिफरेंट होल जो है वो डेप्थ में होता है और इंटरनल फीचर है तो इंटरनल फीचर को मेजर करना टाइम कंज्यूमिंग है, आपका ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, ज़्यादा डिफिकल्ट है तो इसलिए सब डिसएडवांटेज है। ये आपका होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम था, ये आपका ख़त्म हुआ और एक ख़त्म होने के साथ साथ आपका टॉलरेंस लिमिट और फिट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर आता है फर्स्ट यूनिट में ही वो आपका लास्ट टॉपिक है, एंगुलर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। एंगुलर मेजरमेंट में आपको डिफरेंट टाइप्स का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।